तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बर्फ पड़ी है रात को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। मैं हूँ अदफर हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। और आज मुझे जाना है श्रीनगर, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत काम है। और अभी मैं घर पे हूँ यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में। मुझे डिस्ट्रिक्ट शोपियान से निकलना है और पहुँचना है श्रीनगर, ठीक है। तो आज रात को थोड़ी बहुत बर्फ़ भी पड़ गई थी, थोड़ी बहुत जमा भी हो गई थी, ज़्यादा नहीं। और पता नहीं श्रीनगर का हाल क्या है, वहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी होगी, तो अब देखते हैं। फिलहाल मैं अभी घर से निकलता हूँ, अभी मैं गाड़ी में हूँ। थोड़ा बहुत मुझे रास्ता साफ़ करना पड़ा गाड़ी बाहर निकालने के लिए, ठीक है, रोड पे निकालने के लिए, तो क्योंकि बर्फ़ पे ना गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मैंने बाहर निकाली, अभी रोड पे हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और पहले आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बर्फ़बारी स्टार्ट हुई डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। तो पता नहीं अब शाम तक क्या हाल रहेगा, और मुझे घर भी वापस आना है। क्या पता तब अगर रोड पे ज़्यादा बर्फ़ जमा हुई होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर फिलहाल हम निकलते हैं। तो अभी हम फिलहाल डिस्ट्रिक्ट शोपियान को टाटा बाय बाय करते हैं। अभी हम यहाँ से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ी सी हल्की सी बर्फ़ हो रही है। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे और देखते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है आज, ये आप देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अकेला अकेला है, तो नहीं जी, मेरे साथ अल्लाह है, ठीक है, और अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। तो फाइनली मैं पुलवामा पहुंच चुका हूं, ठीक है। यहां पे नया बस स्टैंड है ऊपर, और क्योंकि अभी मुझे कॉल आई है अंकल की, वो पीछे पीछे सुमो में आ रहा था, तो उसने गाड़ी पहचान ली और बोला कि फ़ोन करके बोला कि आप आगे आगे हो तो आपको कहाँ जाना। मैंने बोला कि मुझे श्रीनगर जाना, उनको भी श्रीनगर जाना था, तो वो भी आ रहे हैं, तो उनको भी साथ लेके जाते हैं, ठीक है। रहे हो तो पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी अंकल और कज़न को पिक किया था पुलवामा से, तो मुझे लगा था उनको भी शायद श्रीनगर आना है, तो लेकिन उनको बस पुलवामा मेन मार्केट तक जाना था। उसने फ़ोन किया था, बोला कि आप स्टैंड के पास ही रुकना और हम आपके साथ आएंगे, ठीक है। मुझे लगा था उनको भी शायद श्रीनगर आना है, लेकिन उनको बस मेन मार्केट तक जाना है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम है पुलवामा में, जो नया स्टैंड है वो थोड़ा ऊपर है, लगभग मेन मार्केट से 2-2.5 किलोमीटर दूर, तो इसलिए वहाँ से पैदल आना पड़ता है। तो इसलिए उसने फ़ोन किया था रुकने के लिए, बस उसको मेन मार्केट तक जाना था और मैंने उनको वहाँ पे छोड़ दिया। तो फिलहाल इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, इस वक्त मैं बाईपास पे हूँ, न्यू बाईपास, ठीक है। और फिलहाल यहाँ से अभी कानवाई चल रही है, तो मुझे शायद फ़ोन बंद करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, जब मैं अभी घर से निकला तो वहाँ पर आपने ज़रूर बर्फ़ देखी होगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी वहाँ पे अभी शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, कहीं पे बर्फ़ नज़र ही नहीं आ रही है, क्या बात है। वहाँ पे अभी हल्की सी बर्फ़बारी भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना बर्फ़ कहीं पे मौजूद है और ना यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिलहाल हम अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। 2000 years later. तो आप सबको पता है, सुबह मैं 10 बजे घर से निकला था और फिर मैं 12 बजे श्रीनगर पहुंचा, ठीक है। और मुझे जाना था हैदरपुरा और HMT साइड से, वहां पे मुझे काम था। तो मैं इस वक्त लाल चौक में हूं और यहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, और अभी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत यहां के नज़ारे दिखाने की। और लेकिन मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि जो 26 जनवरी आने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो मतलब तलाशी वगैरह यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल हम नीचे उतरते हैं गाड़ी से और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं लाल चौक के नज़ारे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी बर्फ़ पड़ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने कॉल किया था घर, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ना बर्फ़ है ना बारिश है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा मौसम देखने को मिला यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं लाल चौक घंटाघर के नज़ारे, ये रहा क्लॉक टावर, यहाँ पे अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं।
तो इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हूँ और फिर मैं वहाँ से श्रीनगर से बहुत ही जल्दी निकला क्योंकि मैंने सोचा मुझे दूर जाना है, शोपियान मुझे पहुँचना है क्योंकि आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसीलिए श्रीनगर से जल्दी निकला क्योंकि मैंने सोचा अगर डिस्ट्रिक्ट शोपियान में बर्फबारी स्टार्ट हो गई फिर रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा और गाड़ी स्लिप हो जाएगी, ठीक है। और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हूँ, मैंने एक जगह पे गाड़ी पार्क करके रखी है और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बर्फ़ नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव में बर्फ़ है, आपने सुबह सवेरे देखा होगा वीडियो में, ठीक है। 2 hours later माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी शोपियान में बर्फबारी स्टार्ट हो गई फिर से, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, वाह। 4 to 6 days later अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और आज आपको फिर से एक बार आज के इस वीडियो में खुश आमदीद, क्योंकि जो अभी तक आप लोग देख रहे थे ये मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था व्लॉग और आज मुझे फिर से एक बार मौका मिला है इसी व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। ठीक है, मैं चुना कंटिन्यू व्लॉग करूँ तगन किहिन थे और अब हमारी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं जो भी आज होगा तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ मैं आज भी इस वक्त श्रीनगर लाल चौक में मौजूद हूँ और आज 25 जनवरी और कल है यानी 26 जनवरी 7 जनवरी और मुझे लगता है जो हालात है वो नाजुक दिख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं लाल चौक के नज़ारे, और यहाँ से ये रही शायद प्रताप पार्क कहते हैं इसको पूरा, तो मुझे पता नहीं ये रही वो पार्क, और मुझे लगता है बेहतर है कि हम यहाँ से घर निकलेंगे क्योंकि कल 26 जनवरी है तो इसकी वजह से हमें जल्दी करना होगा, घर पहुँचना होगा, ठीक है। तो कोशिश वही रहेगी, तो फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, तो इस बार भी माफ़ी चाहता हूँ, इंशाल्लाह कभी आएंगे और पूरा श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरह से, एक एक जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ और हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हालात कुछ सही नहीं लग रहे मुझे, तो चलते हैं। तो अभी मैं काकापुरा के नज़दीक पहुंचने लगा हूं और यहां से बारिश स्टार्ट हो गई और अभी मैं जब श्रीनगर में था तो वहां पे ना बारिश हो ना बर्फ़ हो रही थी, लेकिन यहां से मुझे बारिश देखने को मिली। तो अभी मैं आरीहल पुलवामा पहुंच चुका हूं, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे यहां पे काम था एक जगह पर तो वही जाना पड़ा मुझे पहले, तो अब यहाँ से मुझे घर जाना है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बर्फबारी हो रही है इस वक्त और हमारे गांव में तो इससे बहुत ज़्यादा होगी। फिलहाल हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं क्योंकि वरना रास्ता बंद हो जाएगा, अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ी तो फिर गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो बाद में मिलते हैं। Several days later. तो कैसे आप सब, तो फिर से एक बार आप सबको खुश आमदीद आज के इसी वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं हमारे गाँव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी ज़्यादा बर्फ़ अभी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक वो सॉन्ग नहीं देखा है तो वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकता है, अजफ़र हुसैन, ठीक है। कश्मीरी सूफ़ी सॉन्ग है और सॉन्ग का टाइटल है वन कस्ब देवान गयस जिंदगी मोयस मोयस। तो और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जाके वो सॉन्ग देखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में शोपियान में, ये आप देख सकते हैं। ओए होए होए होए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, श्रीनगर में कहाँ इतनी बर्फ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इस वक्त मैं अपने ही गांव में हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इस व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं 2 बार श्रीनगर गया था, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था और दूसरी बार मैं शूटिंग के लिए गया था, लेकिन मैंने वो सब आपको नहीं दिखाया। तो इंशाल्लाह कभी दिखाएंगे, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सॉन्ग्स आने वाले हैं तब दिखाएंगे कि हम मतलब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, शूटिंग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक अगर आप लोगों में से किसी ने वो सॉन्ग नहीं देखा है जो मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले अपलोड किया है यूट्यूब चैनल अजफर हुसैन पे, तो वहाँ जाके आप वो सॉन्ग देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना लाजमी है। और वो सूफ़ी सॉन्ग
बाकी लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब अब आप लोगों का काम है। और ये रहा समीर भाई, ये मेरा बचपन का दोस्त है, ठीक है। हम एक साथ चलते फिरते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। और अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग्स आने वाले, यानी जो अब व्लॉग्स आने वाले हैं आज के बाद, और ये हमारे साथ रहेगा, आप इसको देखोगे इंशाल्लाह जो व्लॉग्स आने वाले हैं उनमें। तो फ़िलहाल हम अभी घर जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं और किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।